हिजाब पहनी भारत की मुस्लिम महिला ने हिजाब पहनकर विदेश में लहराया अपना परचम। एक तरफ आज जहां भाजपा राज में भारत में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब को लेकर के बवाल काटा जा रहा है, हिजाब पहनकर उनके पढ़ने लिखने स्कूल कॉलेज जाने तक पर पाबंदी लगाई जा रही है, उन्हें एग्जाम हॉल से निकाला जा रहा है, उनके स्कूलों और कॉलेजों में पूरी तरीके से एंट्री बैन कर दी जा रही है, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इस विवाद पर दक्षिण पंथी हिंदू वादी नेताओं के द्वारा भी तरह तरह की टिप्पणी की जा रही है। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर के पूरे कर्नाटक को सांप्रदायिकता की आग में झोंका जा रहा है और मुस्लिम महिलाओं के हिजाब को पहनावे को टारगेट किया जा रहा है। तो आज वही दूसरी तरफ औरंगाबाद की हिजाब पहनने वाली महिला ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की नेता चुनी गई है। औरंगाबाद की एक छात्रा सबाहत खान ने ब्रिटेन में शेफील्ड हॉलम विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव जीतकर आज उन तमाम आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है जिनके मुताबिक हिजाब तरक्की की राह में रुकावट है, हिजाब सांप्रदायिकता की आग बढ़ाता है, हिजाब हिंदू मुस्लिम करता है। औरंगाबाद की रहने वाली महिला सबाहत खान हिजाब पहनती हैं। उन्हें ब्रिटेन में शेफील्ड हॉलम विश्वविद्यालय के छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया है। पब्लिक हेल्थ कोर्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही सबाहत खान ने कुल 6,900 मतों में से 2,500 से अधिक वोट हासिल करके जीत अपने नाम की। अपनी इस कामयाबी पर बात करते हुए सबाहत ने कहा है कि लोगों ने मुझे एक ऐसे छात्र नेता के रूप में देखा है जो उनका प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखती है, ना कि मेरे पहनावे के रूप में, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सबाहत ने कहा कि मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं कौन हूँ और हिजाब पहनने वालों को सशक्त बनाने के लिए अपने नियंत्रण में सब कुछ करूंगी। मैं औरंगाबाद से आती हूँ लेकिन मेरे पास विचार थे और देखते हैं कि मुझे वो कहाँ ले जाते हैं। सबाहत ने कहा कि किसी भी रूढ़िबद्धता ने मुझे नहीं रोका और इसे किसी को भी नहीं रोकना चाहिए। मैं जो पहनती हूँ मेरे लिए उससे कहीं इसके बजाय ये उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करे जो काफी अधिक महत्वपूर्ण है। सबाहत की ये जीत, उनका ये मुकाम, आज उनकी ये सफलता और ये मुंह तोड़ जवाब उन तमाम आलोचकों के मुंह पर करारा तमाचा है, उन तमाम हिंदूवादी संगठनों और भाजपा सरकार के मुंह पर तमाचा है जो हिजाब के नाम पर भारत में मुस्लिम महिलाओं को लगातार टारगेट कर उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं, उनके अधिकारों से वंचित करने का काम कर रहे हैं और देश में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। देश में हिजाब और भगवा करके माहौल खराब करने वाले तमाम हिंदू संगठनों के मुंह पर सबाहत की ये जीत आज करारा तमाचा है। सबाहत खान ऐसे समय में नेता चुनी गई हैं जब भारत के कर्नाटक में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिजाब समर्थक विरोधी एक श्रृंखला में घिरा हुआ है जिसने हिजाब को इस्लाम का एक अनिवार्य अभ्यास नहीं माना है और भगवाधारी हिंदूवादी इसे लेकर पूरे कर्नाटक में जमकर बवाल काट रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी नेता हिजाब पहनने वाली छात्रों को आतंकवादी संगठन की महिला और देशद्रोही बता रहे हैं। आज देखिए कि वही हिजाबी महिला हिजाब पहनकर हिजाब के साथ विदेशों में जाकर भारत का नाम रोशन कर रही है, हिजाब पहनकर नई कहानी लिख रही है। और सिर्फ सबाहत ही नहीं, हाल ही में एक और हिजाबी महिला बुशरा मतीन विश्वविश्रिया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी VTU की 16 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली छात्रा बनी है। इन हिजाबी छात्रों की लगातार एक के बाद एक मिल रही सफलता उन तमाम हिंदूवादी संगठनों और भाजपा सरकार के नफरती सोच और घटिया मानसिकता पर करारा तमाचा है जो कर्नाटक में माहौल खराब कर पूरे देश में हिंदू मुस्लिम कर मुस्लिम लड़कियों के हिजाब और उनके पहनावे को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द VPN TV।